क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शिबा इनू का माहौल बनने लग गया है। प्राइस सर्ज हुआ है 0.4x 0.21 तक, और माहौल किस तरह से बन रहा है और क्या हो सकता है आगे चल के, आज हम यही बात करने वाले हैं। क्योंकि शिबा इनू ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अब तक जो कुछ किया है, ना बिटकॉइन कर पाया, ना इथीरियम, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी पहले की, ना ही अब की। रिकॉर्ड है शिबा इनू के नाम की, एक साल के अंदर मिलियंस परसेंट का रिटर्न दिया। और 2020-21 का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम था, 2021 में अक्टूबर मंथ में शिबा इनू ने अपना लास्ट पीक लेवल हिट किया था, उसके बाद कोई पीक नहीं लगा अभी तक शिबा इनू का। और यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जो बताते हैं कि भैया उस टाइम पे 2021 की स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे जो रिकॉर्ड पंप किया किया था शिबा इनू ने, वो 7.6 मिलियन के अराउंड था। मतलब आप समझते हो 76 लाख% का रिटर्न। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ी डेटा है, ठीक है। इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा पंप किया शिबा इनू ने, क्या रीजन रहे थे, क्यों किया, वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से मिस हुआ। और यही एक पॉपुलैरिटी का यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि शिबा इनू ने जो पंप किया वो किसी भी एसेट के बस की नहीं है। किसी भी एसेट ने आज तक ऐसा पंप नहीं किया सिर्फ एक साल के अंदर, ठीक है। शिबा इनू ने जितना पंप किया, जिन लोगों ने शिबा इनू को स्टार्टिंग में खरीदा, चाहे $10, $12 का भी खरीदा, आप यकीन मानिए उन्होंने $1 मिलियन से भी ऊपर का रिटर्न लिया। डेफिनेटली जितनी शिबा इनू की वेल्स हैं, जिन्होंने होल्ड किया होगा शिबा इनू को, उन्होंने बहुत अच्छे और शानदार रिटर्न्स लिए होंगे। 2021 शिबा इनू का पहला बुल रन था, ये दूसरा बुल रन है शिबा इनू का। आज हम बात करेंगे जो 2020-21 में शिबा इनू ने किया, मिलियंस परसेंट के रिटर्न दिए, क्या वैसी साइकिल फिर से रिपीट हो सकती है? और अगर थोड़ी सी भी वैसी साइकिल रिपीट कर दी, मैं 7.6 की बात कर रहा हूँ मिलियन की, भैया अगर आधी भी साइकिल उस तरफ चली गई या 20-25% भी साइकिल उस तरफ घूम गई, तो आप समझते हो कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है यहाँ से भी। और क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? होने को कुछ भी हो सकता है। शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी हो तो कुछ भी हो सकता है। शिबा इनू 2 साल कुछ नहीं किया तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि शिबा इनू डेड हो गया है, शिबा इनू का प्राइस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक बड़े पंप के बाद 2-3 साल का कंसोलिडेशन, नॉट अ बिग कंसोलिडेशन, ठीक है, करेक्शन, कंसोलिडेशन, ये सब पार्ट है मार्केट के। और डेफिनेटली जब इतना बड़ा पंप उस टाइम पे किया है शिबा इनू ने, तो मुझे लगता है एक हैवी बुल रन शिबा इनू का, सेकंड एक हैवी रैली वो अभी बाकी है, चाहे वो इस सीजन दिखे या 2025 में दिखे, ठीक है, डिपेंड करता है शिबा इनू के चार्ट्स के ऊपर, शिबा इनू के माहौल के ऊपर, सेंटीमेंट के ऊपर। लेकिन डेफिनेटली शिबा इनू में वो पावर है, वेट जरूर करवा रहा है शिबा इनू, जिन्होंने 2021 में शिबा इनू को खरीदा पीक लेवल पे, वो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में सही टाइम पे खरीदना और सही टाइम पे सेल करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप गलत टाइम पे खरीदोगे तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत कुछ किया है शिबा इनू ने अपने इकोसिस्टम में भी, अपने मेटावर्स को लेके आया, गेम को लेके आया, अपने स्टेबल कॉइन और ट्री टोकन को लेके आ रहा है, अपनी ब्लॉकचेन लेके आ चुका है, बर्निंग को लेके ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्ड शिबा इनू ने सेट किया है, वो रिकॉर्ड शायद ही कोई क्रिप्टो एक साल के टाइम फ्रेम में तोड़ पाए, ठीक है। तो डेफिनेटली साइकिल उस तरफ घूम सकती है, रिपीट हो सकती है, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, भले ही पूरी ना हो, आधी भी हो गई तो भैया उसका आधा भी अगर हुआ तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पंप जंप और मिल सकता है। बस वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट टाइम का, क्योंकि बिना परफेक्ट टाइम के आप अच्छे रिटर्न्स नहीं ले सकते। मार्केट में पूरा खेल वेट करने का है। कुछ कॉइन्स आपको कम वेट कराते हैं, कुछ कॉइन्स आपको बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं, ठीक है, समझ के चलना पड़ेगा। क्योंकि बड़े रिटर्न्स कहीं ना कहीं ज़्यादा वेट ना कर पाने की वजह से ही मिस हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी है। अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है और डेफिनेटली हो सकता है अक्टूबर में शिबा इनू अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दे। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।